हेलो। वंदे मातरम, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आप सभी लोगों का स्वागत है। साउंड ठीक है भाई? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? ठीक दिखाई दे रहा? ठीक सुनाई दे रहा सभी को? कैसे हो सारे के सारे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज जैसा आप जानते हैं कि हमें जो शुरू करना था, मानसिक अभिरुचि इंपॉर्टेंट है अपने आप में, सवाल आएंगे इसमें। तो आज जो चैप्टर होगा वो मानसिक अभिरुचि चैप्टर कराएंगे। इसमें तमाम हमने प्रीवियस ईयर के भी शामिल किए हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। पहले बताओ सारे ठीक हो भाई? साउंड परफेक्ट है? मार्कर कहाँ है? ये रहा। ऑडियो वीडियो परफेक्ट? ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक सुनाई दे रहा है? कैसे हो सारे के सारे? तो हम करेंगे आज मानसिक अभिरुचि, मेंटल एप्टीट्यूड। ये आपके एसआई में भी काम आएगी और ये आपके यूपी कांस्टेबल में तो काम आनी ही है। इसको पढ़ने से पहले देखो होता क्या है कि जब मानसिक अभिरुचि का क्वेश्चन आता है, हम बिना पढ़े उसका उत्तर दे देते हैं। मतलब बिना पढ़े मतलब पहला सवाल पढ़ा और पहला ऑप्शन लगा वही हमारा आंसर है। इसके लिए आपको चारों ऑप्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। चारों ऑप्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बिना आपका काम नहीं होगा। आप जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलती कर देंगे, ये टीवी बंद हो गया अपने आप, तो एरर आ जाएगा। इसलिए मैं यही कहूंगा कि मानसिक अभिरुचि का अगर प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको उसे पूरा पूरा पढ़ना होगा। जैसे हम छोटे छोटे सवालों से कर रहे हैं, फिर बहुत बड़ा जो है हम सवाल करेंगे जो एक एक पेज के होते हैं। बड़े बड़े सवालों पर हम चर्चा करेंगे। कमेंट कैसे बंद हो गई? ये नहीं, उसमें गया टीवी। कैसे बंद हो गया वो? चलो भाई, अभी कमेंट्स आ जाते हैं मेरे सामने दोबारा। यहां पे कहा गया, अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देखते हैं, अब आप जाएंगे यूपी कांस्टेबल में, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया और आप अपने सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं, तो क्या करेंगे? उसे रोकने का प्रयास करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये तो लॉजिकल है कि हम कुछ नहीं करेंगे। इनमें से कोई नहीं, सबूत के साथ उच्च अधिकारी को इसकी सूचना देंगे। तो अब पेंच फंस रहा है पहले में और सी में, ए में और सी में। ए को आंसर इसलिए देंगे हम और सी को क्यों नहीं देंगे, उसका कारण है। यहां तो आप सबूत के साथ यानी बाद की बात कर रहे हैं। अगर वो रिश्वत ले रहा है तो सबसे पहले आप उसे रोकने का प्रयास करेंगे। सबूत के साथ उच्च अधिकारी को सूचना, उस समय पर जो है ये वांछनीय व्यवहार नहीं है। कल भी यही दिक्कत हुई थी, इसी में लगा दे। फिर मैं कमेंट इस पे देख लेता हूँ। समझ में आया भाई सभी को? तो ये कार्यवाही आपको यहां पे तुरंत प्रभाव से करनी होगी। कमेंट्स में मोबाइल में देख लेता हूं। चलो चल गया, बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, 95% क्लियर है तो बेटा रीजनिंग में 95% भी आपके मार्क्स 95% रीजनिंग में आने हैं। हमारा ये मान के चलना है कि अगर 55 क्वेश्चन आए तो 52-53 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। फिर बंद हो गया? 52-53 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट, अगले पर चलते हैं। नंबर दो, सामान्य रूप से कानून में क्या शामिल है? दंड देना, रिकवरी, पुरस्कार देना और मूल्यांकन करना। हमारी जो कानून प्रक्रिया है, पॉलिटी में भी आपको पढ़ाते होंगे, इसमें सामान्य रूप से क्या शामिल होता है, यह आपसे पूछा गया है। तो मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं सर दंड देना होता है। सही
सामान्य रूप से कानून के अंदर दंड देना शामिल नहीं होता बेटा, सबसे होता है मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन भाई पहले आप क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि भाई इसने क्या सजा की है, कैसा क्या है, सारा प्रोसीजर है। दंड तो सबसे लास्ट में दिया जाता है। दंड कब दिया जाता है बेटा? लास्ट में। पहले आप इवैल्यूएशन ही तो करेंगे व्यक्ति का, पहले आप मूल्यांकन ही तो करेंगे। आप देखो ये सवाल अगर आ जाए तो निश्चित रूप से आप गलती करेंगे बेटा, और गलती हो जाएगी तो फिर समस्या ही समस्या है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? नेक्स्ट नंबर 3। आपके अनुसार जीवन में सफलता मिल सकती है? अभी छोटे क्वेश्चन से फिर बड़े बड़े हैं जो एक पेज को कवर करेंगे। आपके हिसाब से जीवन में सफलता मिल सकती है मेहनत एवं आत्मविश्वास से? देखते ही क्लिक मत करना, हो सकता है कोई और हो बेहतर विकल्प, यहां पर नहीं है। सिफारिश से, अच्छे स्वास्थ्य से, दूसरों की सहायता से, तो हार्डवर्क और कॉन्फिडेंस से आपको यहां पे जो है वो जीवन में सफलता मिल सकती है। बात समझ में आ गई बेटा? यही चीज है, इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं थी। नंबर 4, मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज आती है। अब सामने क्या है, फायरिंग हुई है, ठीक है, तो आप ये पुलिस के एग्जाम, कांस्टेबल के एग्जाम के अनुसार उत्तर दे रहे हैं बेटा। आप एक कांस्टेबल के एग्जाम के हिसाब से उत्तर दे रहे हैं। हाँ बेटा, रिवीजन मैं कराऊंगा, एक मैराथन लगाऊंगा, उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मैं सोया रहता हूं ये तो नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा इन सवालों में। मैं अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता हूं, बुजदिली आपको नहीं दिखानी है, डर और कमजोरी आपको नहीं दिखानी है। अब कुछ कह रहे हैं ए, एक आधा मैंने बी भी देखा कि मैं अपनी बंदूक से गोली चलाता हूं। जब बाहर फायरिंग हो रही है तो तुरंत आप फायरिंग नहीं करेंगे बिना किसी वैल्यूएशन के, मूल्यांकन के, कि बाहर क्या कार्रवाई चल रही है। तो इसलिए जो उत्तर देंगे आप ए देंगे, इमीडिएटली गो आउट ऑन द रोड, मैं तुरंत सड़क पर निकल जाता हूं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या होगा ये आगे की घटनाक्रम की बात है, लेकिन जितनी स्थिति आपको दी गई है उतनी स्थिति के हिसाब से आपका उत्तर ए होना चाहिए। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है। असामाजिक क्या होते हैं बेटा? जैसे चोर है, डकैत है, मर्डरर है, स्मगलर है, ये नशे करने वाले लोग हैं। अब यहां पे आपको क्या करना है कि असामाजिक लोग, जो समाज के लिए काम करे वो सामाजिक, जो समाज के खिलाफ काम करे वो असामाजिक। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है मिलनसार के रूप में, सुधारक के रूप में, आलोचक के रूप में, या सामान्य के रूप में। किसके रूप में होता है बेटा? सुधारक के रूप में, यानी आपको उनको सुधार करना है, तो सुधारक के रूप में आपका व्यवहार उनके साथ होना चाहिए। जब जेल में किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है तो जेल का जो जीवन होता है वो भी एक सुधारक के रूप में ही होता है। वह कोशिश की जाती है कि उनका जो व्यवहार है वो सुधर जाए। जब इसके बारे में साथ साथ मैं एक दो बातें और बताता हूं तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाए। जेल में जो जीवन होता है वो भी सुधारक के रूप में ही होता है। बात समझ में आ गई बेटा? एकदम ओके। नंबर 6, एक पुलिसकर्मी को हमेशा अपने अधिकारी से करना चाहिए, करना चाहिए, ऑलवेज बिहेव इज ऑफिसर, कैसा व्यवहार करना चाहिए? अब इसमें गलती हो जाती है। मैं ज्यादातर बच्चों को देख रहा हूं, ए कह रहे अच्छा व्यवहार, इसका मतलब आप पूरा नहीं पढ़ते हैं और यही गलती का कारण होता है। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना बेटा, बहुत सारे ग्रुप्स में आप जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि मेंटल एप्टीट्यूड का ज्यादा से ज्यादा बच्चा लाभान्वित हो और उनमें कोई गलती ना करे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कहते हैं ना धर्म और पुण्य का कार्य करो, तो आपके लिए पुण्य ये है कि यहां जो फ्री शिक्षा दी जा रही है वो सभी को प्राप्त हो। ज्यादातर ने कहा अच्छा व्यवहार, कटु व्यवहार, कटु तो हो नहीं सकता, उचित व्यवहार, हमेशा अच्छा नहीं कर सकते आप उनके साथ, स्थिति के हिसाब से आपको उचित व्यवहार, यही आपको फोर्स में सिखाया जाता है कि भाई आपका बिहेवियर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। और सिचुएशंस कुछ भी हो सकती है, कई बार हो सकता है कि ऐसी स्थिति आ जाए कि वहां पर आपको अवज्ञा भी करनी पड़े, कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है, तो आपको उचित व्यवहार देना है। हालांकि अवज्ञा को आपको टिक मार्क नहीं करना, लेकिन उचित व्यवहार की यहां पर बात की गई है तो यही करेंगे। नंबर 7, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को,
रात में गश्त लगानी चाहिए, दिन एवं रात में गश्त लगानी चाहिए, आप पुलिस में भर्ती हो जाएंगे तो क्या करेंगे बेटा? उसके बाद कभी भी अचानक से गश्त लगानी चाहिए, मतलब सरप्राइज जो गश्त है वो होनी चाहिए, और उसके बाद है योजनाबद्ध तरीके से गश्त लगानी चाहिए। क्या लग रहा बेटा आपको? योजनाबद्ध तरीके से गश्त होनी चाहिए ना। ये थोड़ी है कि रात में गश्त लगाएंगे, दिन में और रात में लगाएंगे, योजनाबद्ध तरीके से जब आवश्यकता महसूस होती है, जहां महसूस होती है वहां पे गश्त लगाइए। कुछ सेंसिटिव एरियाज होते हैं जहां पे आपको आवश्यकता होती है। बात समझ में आ गई बेटा? एकदम ओके। ऑप्शन नंबर डी। नंबर 7 पर हम चलते हैं। आठवां आसान है, नॉर्मल सा ही है, कर लेंगे आप। उत्तर की वेट कर रहा हूं कि कौन बच्चा हमारा इसका सही उत्तर बताने वाला है। What is the appropriate way to solve your differences with colleagues? सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है? हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल है बेटा, आपका भी एग्जाम में कोई समस्या आपको होनी नहीं है, ठीक है? किसी भी एग्जाम आप हिंदी में करिए, इंग्लिश में करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो दोनों ही चीजें होंगी। सहयोगियों के साथ समक्ष अपना तर्क रख कर ये हो सकता है, अपने अधिकारी से शिकायत करके ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके आपसी वार्तालाप से दूर करना, बिल्कुल बेटा सही बात है। अगर ये ना हो तो ये हो सकता था। आपको कारण जान लेना है कि मतभेद का कारण क्या है, और आपसी बातचीत से उस मतभेद को सुलझाएंगे ना तो ये चीजें क्या बनेंगी बेटा? मजबूत बनेंगी। 8 के बाद नंबर 9। हत्या के एक मामले की सुनवाई कहां होती है? अगर कोई हत्या हो जाती है, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, कोई कह रहा इतना इजी नहीं आएगा, ये सारे आए हुए हैं यूपी कांस्टेबल में, यूपी कांस्टेबल में और एसआई में ये सारे सवाल आए हुए हैं बेटा। अभी खतरनाक सवाल भी दिखाऊंगा जहां आपका हाथ पांव काम करना बंद कर देगा कि सर ऐसे भी सवाल आते हैं। तो सवाल ऐसा भी होगा जो कतई मुश्किल है, सवाल ऐसा भी होगा जो बहुत आसान है। शेयर करूंगा तो सर कंपटीशन और ज्यादा हो जाएगा। अरे बेटा ज्ञान बांटने से बढ़ेगा अतरा। हत्या के एक मामले की सुनवाई कहां होती है? उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में। सबसे पहले बेटा यहां चलता है, अगर यहां से वो डिसीजन दे दिया जाता है तो कोई अपील करेगा तो हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने का द्वार उसके सामने खुला होता है। नंबर 10। वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? आप जानते हैं कि आपातकालीन स्थिति में वारंट के बिना भी गिरफ्तारी की जा सकती है, लेकिन अगर वारंट के बिना गिरफ्तारी की जा सकती है तो पुलिस वाला अपनी कस्टडी में, यह आपको पढ़ाया भी गया होगा बेटा, बताया भी गया होगा पॉलिटी में, तो वो 24 घंटे तक अपनी कस्टडी में उसे रख सकता है। ये आपके अधिकार है, आपको जानने भी चाहिए कि कितने समय तक उसे रख सकता है। नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? जल्दी बताओ बेटा। महिलाओं की सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा। वन्य जीवों के लिए तो बेटा अलग पुलिस होती है, ठीक है, वो फॉरेस्ट के लिए है। यहां पे ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं की सुरक्षा आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा इतना महत्व नहीं रखता, इसके अपेक्षा काम तो वो भी है, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा इतना महत्व नहीं है, और वन्य जीवों की सुरक्षा तो उसके लिए वो लास्ट की बात है। तो वुमेन सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण यहां पे विषय होगा। आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आपके हिसाब से पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? क्या है बेटा? कुछ ए कह रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं। देखो यही चीजें तो आप गलत कर देते हो बेटा। सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण, सुधारनी कल्याण, ये कल्याण है, कल्याण शब्द मिसिंग था। तो सबसे पहले बेटा सुरक्षा है, सुधार की बात बाद में आती है, सबसे पहले जो होगा वो सुरक्षा होगा, और सुधार की जो बात आएगी वो सबसे बाद में आएगी।
तो सबसे पहले हम यहां पे सेफ्टी की बात करेंगे, सुरक्षा की बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अभी आपके इजी इजी चल रहे हैं, अभी आ रहे हैं बेटा 20-22 क्वेश्चंस के बाद बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा समय रखिएगा। यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करते हैं? उसका बदला चुकाते हैं, उससे मुंह छुपाते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं? तो बेटा ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है, बेसिक एटिकेट्स हैं, बेसिक मैनर हैं, तो आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए है सेंसिटिव क्रूर, संवेदनशील, बी क्रूर, मृदुभाषी और ईमानदारी। क्या नहीं होना चाहिए भी पुलिस वालों को? अपने से मत बताना। सॉफ्ट कौन होता है? मृदुभाषी, मीठा बोलने वाला। कि सर मैं तो क्रूअल बनना चाहता हूं, मैं ये आपको नहीं बेटा, न्यूट्रल बात करनी है तो ये क्रूअल ये नहीं होना चाहिए। आपको सेंसिटिव होना चाहिए, चीजों के प्रति संवेदना होनी चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए कि आप उसकी स्थिति को समझें और स्थिति को समझने के बाद आप उसको बताएं। नंबर 15, नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसमें गुण होता है, प्रतिष्ठा का, क्रूरता का, उच्च आदेशों का और बनावटीपन का। तो नेतृत्व के लिए आपको डाउट रह रहा होगा मेरे ख्याल से ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में। जैसा मैं देख पा रहा हूं 15 का ए भी बता रहे हैं और 15 का जो विकल्प बता रहे हैं वो सी भी बता रहे हैं। एक डाउटफुल स्थिति यहां पे है। नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसमें गुण होता है उच्च आदर्शों का। हाई आइडियल्स अगर आपके पास होंगी ना, उच्च आदर्शों का गुण होगा। अब यहां पे प्रतिष्ठा क्या होती है बेटा? प्रतिष्ठित व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है, और प्रतिष्ठा के बारे में आप क्या जानेंगे? प्रतिष्ठा के बारे में आप क्या जानेंगे? प्रतिष्ठित व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी था, अब आसाराम है या राम रहीम है, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लेकिन कोर्ट के अनुसार वो प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है तो उन्हें सजा दी गई है। तो अगर उनके अंदर उच्च आदर्शों का होगा तो उच्च आदर्शों से उसमें गुण होता है। नेक्स्ट नंबर 13, ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नजर पड़ती है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं? मैं अपनी नजरें चुरा लूंगा, आई विल हाइड माई आईज, ठीक है, साइड हो गया। आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा, उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा करूंगा। कई बार सोचते हैं कि यार वही नहीं मिला तो मैं क्यों मिलूं। अब ये तो आंसर आप दे रहे हैं कि हाँ बी होगा। कई बार आप सोचते हैं सर वो ही नहीं मिला तो मैं क्यों मिलूं, तो आप क्या करेंगे बेटा? आगे बढ़कर उसका स्वागत करेंगे। यह आपको करना भी चाहिए, चाहे आप ड्यूटी पर हैं या ऑन ड्यूटी पर हैं, या आप परिचित के साथ अपना व्यवहार करेंगे। अगला बताओ बेटा। आप और आपका भाई एक दूसरे की परीक्षा में, दोनों पुलिस भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार हैं। आप भी और आपका भाई भी दोनों पुलिस की उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? आप और आपका भाई एक दूसरे की मदद करेंगे। मदद करना, नकल करना, चीटिंग करना, ये तो करना ही नहीं बेटा। परीक्षा एवं फिजिकल साथ साथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शिकायत के डर से अलग अलग जिलों में फॉर्म भरेंगे तो शिकायत क्या होनी है बेटा? इसमें क्या शिकायत होनी है? दो सगे भाई हैं या तीन चार सगे भाई बहन फॉर्म डाल सकते हैं अगर आप योग्य, और सबका सिलेक्शन हो जाए तब भी कोई शिकायत नहीं है, बशर्ते आपने फेयर किया है, आपने मेहनत से अपने दम पे वो सिलेक्शन लिया है। अपराध नियंत्रण के लिए क्या आवश्यक है? नीचे ऑप्शन अलग से दिए गए बेटा, अब यहां से थोड़े से ठीक ठाक लेवल के प्रश्न शुरू हो गए हैं। नीचे ऑप्शन आपको अलग से दिए गए हैं, बड़े ध्यान से बताइएगा। अपराध नियंत्रण के लिए क्या आवश्यक है? जनसाधारण का सहयोग। ये बात बिल्कुल सही है कि जनसाधारण के सहयोग के बिना आप अपराध पे नियंत्रण नहीं कर सकते। जनसाधारण का सहयोग ये है। गाइडेंस एंड फॉलोइंग ऑफ रीजनल लीडर, क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन एवं अनुसरण। अनुसरण, मार्गदर्शन हो तो थोड़ा बहुत चलता, अनुसरण कैसे हो सकता है बेटा? अनुसरण मतलब आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण का मतलब आप उनका पीछा कर रहे हैं, आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं, नहीं करना। नेतागिरी का कोई सवाल आ जाए बेटा, पुलिस का ये काम है, वो नेतागिरी नहीं करेगा तो ये गलत है।
कानून का कड़ाई से पालन करना, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब भी कानून बनाया जाता है तो पुलिस सुनिश्चित करती है कि उसका कड़ाई से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंटल पॉलिसी, सरकारी एवं विभागीय नीतियां, ये बात बिल्कुल सही है कि जो सरकारी एवं विभागीय नीतियां होती हैं ये अपराध नियंत्रण के लिए सारी चीजों का आवश्यकता हमें होती है। इसलिए हम 18 का जो सही उत्तर देंगे, उचित उत्तर देंगे, वो सी रहेगा, 18वें का सही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा शेयर कर दो और लाइक करते रहो ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, ये जैसे मेंटल हो गया, कथन एवं निष्कर्ष करा दूंगा, कथन एवं कारण करा दूंगा, कथन एवं पूर्वानुमान करा दूंगा, कथन एवं तर्क करा दूंगा, तो अगर ये 5-4 चैप्टर करा दूं तो फिर तो रीजनिंग में डर खत्म हो जाएगा। जो नंबर कट रहे होंगे वो ऐसी जगह पर कट रहे हैं आपके। अगर यही चीज मैं आपको करा दूं बेटा फिर तो रीजनिंग से डर खत्म हो जाएगा। बाकी तो हम कर ही पा रहे हैं। क्लॉक क्लॉक मैंने करा रखा बेटा, यूट्यूब पे पूरा क्लॉक पड़ा हुआ है मेरा। आप कहोगे तो मैं अपने चैनल पे भी डाल दूं, मैंने पूरा का पूरा करवा रखा बेटा। क्या दिक्कत है क्लॉक में, क्या दिक्कत है बेटा इसमें? ठीक है, बहुत मेहरबानी होगी। यही सवाल अभी मेरठ से कितने बेटा, कल हम मेरठ आएंगे और कल दोपहर को हमारा मेरठ आने का प्रोग्राम रहेगा, टाइमिंग आपको अपडेट कर देंगे। मेरठ हम जाएंगे तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के पार्क में, ग्राउंड में हमारी मुलाकात होगी। तो मेरठ के जो भी आसपास बच्चे हैं उनको हम थोड़ा गाइड करेंगे, थोड़ा मोटिवेशन करेंगे। फेस टू फेस मिलके बच्चों का तो मैं कह रहा हूँ हौसला ही कुछ और होता है। फेस टू फेस जब बच्चा मिलता है ना तो हौसला अफजाई इतनी हो जाती मजबूत। तो आइए बेटा, मेरठ आपकी मुलाकात होगी हमारी आपकी कल। सभी कानून का पालन करना हमारी मजबूरी है, मजबूरी नहीं है बेटा, कानून का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, सामाजिक बंधन नहीं है। कुछ प्रभावशाली लोगों का नियंत्रण बनाए रखने का तरीका है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी अपना चला, ऐसा नहीं है बेटा। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 19वें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ध्यान से बताना बेटा, अच्छा प्रश्न है, ज्यादातर गलत करेंगे इसमें। अब आगे जिसमें आप गलतियां करोगे, अब आगे ऐसे सवाल जिसमें आप गलतियां करोगे बेटा। जो मेरठ के आसपास के हैं वो तो आ ही सकते हैं ना, जो मेरठ के आसपास के बच्चे हैं वो तो आ ही सकते हैं हमसे मिलने, उनकी मुलाकात होगी हमसे। देखो इसमें गलतियां शुरू हो गई, इसमें गलती शुरू हो गई। सी आंसर दे रहे हैं, डी आंसर दे रहे हैं, ए आंसर दे रहे हैं। आइए बेटा बताते हैं आपको। जहां पूरा माहौल खराब हो, ध्यान से सुनना बेटा, पूरा, जहां पूरा माहौल खराब हो, एक होता आंशिक स्तर पे, ये कह रहा है पूरा माहौल खराब हो, वहां के लोगों के प्रति आपका विचार होता है, आप क्या सोचेंगे उन उसमें उस माहौल में, उस माहौल से स्वयं को अलग कर देना। अलग कर देना तो मतलब डर गए बेटा आप, आप उस माहौल में जाना अलग थोड़ी कर सकते हैं आप चीजों को। ये थोड़ी है कि जहां माहौल सही होगा केवल आप वही काम करेंगे, तो ए ऑप्शन तो गलत है बेटा। ऐसे कैसे हो गया आपने उसे अलग कर लिया, ये तो गलत है निश्चित रूप से। उसके बाद खराब माहौल देश की प्रगति में बाधक होता है। अरे आपका विचार क्या है कि खराब माहौल देश की प्रगति में बाधक, अरे बाधक तो होता लेकिन आप कर क्या रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। ए और बी जो कह रहे थे उनको हमने उड़ा दिया, ये आपका विचार है लेकिन आप करेंगे क्या। अब सी और डी में ध्यान देना बेटा, सी और डी पर जब मैं ध्यान दे रहा हूं तो मैक्सिमम लोग अपना उत्तर डी बता रहे हैं और सी की तरफ एक आधा बच्चा ही जा रहा है। सच्चाई ये है बेटा कि डी गलत है और सी है। हाँ बेटा यूपीएसआई में आया था सर ये क्वेश्चन, बिल्कुल आया था, ये सही है बेटा। आप समझो क्यों, ये समझाने के लिए तो बेटा रुका हुआ हूं, अब समझो क्यों, अब समझिए क्यों। झटका लग गया बेटा, ऐसे ही सवाल होगा मेरे भाई, गलतियां यही होती हैं। लाइब्रेरी में जाना हमने क्यों तय किया, हम बच्चों से क्यों मिल रहे हैं, कल हम मेरठ क्यों जा रहे हैं, हमें बता रहे हैं बच्चे कि सर हमें यहां यहां समस्या आ रही है, तो उन समस्याओं का सामना करने के लिए हम आपको ये सवाल दे रहे हैं। पिछले सवाल आसान थे कर लिए, आगे आने वाले हो सकता है बहुत सारे गलती करेंगे। अब ध्यान से सुनो, कारण माहौल है पूरा खराब, सभी को अपने विश्वास में लेकर सुधारात्मक काम करना, कि पहले सबको विश्वास में लेंगे फिर सुधार करेंगे,
भाई साहब सुधार करने के बाद विश्वास जीता जाता है। विश्वास कब जीतेंगे? पहले आप सुधार करेंगे तभी तो विश्वास जीतेंगे, और वो भी सबका। प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, यानी ऐसा कोई सॉल्यूशन जो बहुत आदर्शवादी हो और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो उसको आंसर में नहीं देना। आप कह रहे हैं कि सबको अपने विश्वास में लेकर सुधारात्मक प्रक्रिया शुरू करेंगे। भाई साहब सुधारात्मक प्रक्रिया तो आपको शुरू करनी पड़ेगी, उसके बाद लोगों का विश्वास जीता जाएगा, वो भी कुछ का जीता जाएगा, सभी का आप फिर भी नहीं जीत सकते। ये क्यों सही है? उस माहौल में रहकर ही सुधार करना संभव है, ये आपका विचार होना चाहिए। जहां पूरा माहौल खराब हो तो आपका विचार क्या है? आप क्या कहेंगे सीनियर को? सर मैं उस माहौल में रहकर ही वहां पे सुधार कर सकता हूं। तो ये आपकी पॉजिटिविटी को, आपकी सकारात्मकता को, आपकी ड्यूटी के प्रति जो आपकी लगन है, जो ड्यूटी के प्रति सम्मान है, ये दर्शाता है, इसलिए सी सही है। आ गया बेटा समझ में? एक बार वाई 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 तो कमेंट कर दिया करो। आया समझ में? नहीं आया? बात समझ में आ गई बेटा? तो ज्यादातर बच्चों ने इसका जो उत्तर दिया था वो डी दिया था, इसलिए मैं कह रहा हूं भाई चीजें आसान है। रिलेट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। यही तरीका जब मैं स्टेटमेंट वाले सवाल करा दूंगा तो ये तरीका आपको पसंद आना ही आना है। नंबर 21, एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है? पुलिसकर्मी के लिए सबसे जरूरी कार्य कौन सा है? जल्दी बताओ बेटा। आक्रमणों से बचाना, सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करना, ये पुलिस वालों का काम है ही नहीं, गवर्नमेंट में कितनी अटेंडेंस है कितनी नहीं है तो ये तो उनका काम है ही नहीं, लॉजिकल है। तीसरा है मार्केट को फिक्स टाइम पर खुलवाना, मार्केट को फिक्स टाइम पर खुलवाना पुलिस वाला का काम थोड़ी है, वो तो अपने हिसाब से। लेकिन जनता की सुरक्षा, जो मार्केट का टाइम है उसके हिसाब से खुलती, उसकी फेडरेशन के काम करती, तो ये इजी है, तो इसमें किसी को समस्या नहीं आई। अब इसमें भी कंफ्यूजन होगा, जैसे आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, आप क्या करेंगे? ड्यूटी पर बने रहेंगे, दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर घर चले जाएंगे, वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करेंगे, ड्यूटी वाले पुलिसकर्मी को ढूंढना शुरू कर देंगे, तो ये तो गलत है बेटा। ध्यान से सोच के बड़े प्रेम से बताना कि ए और बी में उत्तर क्या होगा। मैं देख रहा हूं ए कह रहे हैं और बी भी कह रहे हैं, ए भी कह रहे हैं और बी भी कह रहे हैं, तो समस्या वही गंभीर है कि अगर उत्तर ए है या बी है, मेरे भाई यहां पे जो आंसर है वो ए है। आप ड्यूटी पर बने रहेंगे, आने के बाद घर चले जाएंगे वो तो पूछा ही नहीं बेटा, जब वो नहीं आया है तो क्या करेंगे? आप बी क्यों आंसर दे रहे हैं? स्टेटमेंट को नहीं समझे। वो कह रहा है कि पुलिस वाला ड्यूटी पर नहीं है, आप क्या करेंगे? कह रहा है उसके आने पर घर चले जाएंगे। भाई साहब तब तक तो ड्यूटी पर बने रहेंगे, सबसे मुख्य काम तो यह, आने के बाद तो घर जाएंगे, कहां जाएंगे वो बाद की बात है, लेकिन नहीं आया है तो ड्यूटी पर बने रहना है। ये ऐसी चीजों में आपको लॉलीपॉप देता है, लालच देता है, और लालच के चक्कर में आप गलती कर देते हैं। तो सबसे मुख्य काम है ड्यूटी, ड्यूटी पर बने रहना है, जॉब पर बने रहना है, जॉब को नहीं छोड़ना है। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई एकदम? ओके ठीक है। नंबर 23, बहुत आसान है। आप एक पुलिसकर्मी के रूप में जिम्मेदारी को कैसे पूरी करते हैं? पुलिसकर्मी के रूप में चिंतन करते हैं, सजग रहते हैं, लापरवाह रहते हैं? कोई नहीं तो बेटा सजग रहते हैं, ये सबका सही था। तो ऐसा सवाल नंबर बटोर देता है और पीछे वालों जैसा सवाल नंबर कटवा देता है। तो ध्यान रखना है कहां नंबर कट रहे हैं, कहां है। अगला बताओ बेटा, बहुत इजी है ना ये तो, लेकिन हालांकि ये काम आप करते नहीं है, करते तो कुछ और हैं। अगर आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की कार चला रहे हैं, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे? अब सीनियर पुलिस ऑफिसर की कार चलाते हुए मैं कुछ लोगों को देखता हूं, अपने आप को ये अधिकारी समझते हैं, वो नहीं मानते, फिर कुछ सायरन बजाएंगे, फिर बत्ती जंप कर देंगे, है ना। लाल बत्ती होने पर क्या करेंगे? हरा होने तक इंतजार करेंगे, यातायात के नियम का पालन न करते हुए निकल जाएंगे, पूछकर निर्णय लेंगे, कहेंगे साहब निकाल दूं, वो कहेगा हाँ निकाल दो, साहब रोक दूं, वो कहेगा रोक दो,
सीनियर ऑफिसर तो सीनियर ऑफिसर से पूछ के थोड़ी निर्णय लेंगे बेटा। जो नियम है, जो नियम कानून है, वो सभी के लिए है, उसमें किसी से पूछने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। नंबर 25 की हम बात करते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है बेटा? भाग्य का अनुकूल होना, लक फेवर्स, कि भाग्य अच्छा हो। अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना, हैविंग द एबिलिटी टू टेक एडवांटेज, कि अवसर जो आ जाए उसका उचित लाभ उठाया जाए, उसकी क्षमता होना। परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल होता है विपरीत, विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना, उपरोक्त सभी। अब ये बताइए बेटा, सी बनेगा या सारे के सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं तो आप डी को उत्तर देंगे, आप अपना आंसर यहां पे क्या चूज करने जा रहे हैं? अगर उपरोक्त सभी है तो आप ये मान रहे हैं कि सर भाग्य का साथ जरूरी है, ठीक है, काबिलियत होनी चाहिए अवसर को प्राप्त करने की, तो बेटा सही तो उत्तर सी होगा, सी, भाग्य को आप यहां नहीं रखेंगे। अगर मेहनत और भाग्य में से चूज करना हो तो यहां पे ऑप्शन में आप भाग्य को चूज करेंगे, इसलिए जो आपका उत्तर होगा वो यहां पर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर है वो सी होगा। नंबर 26 पढ़ो बेटा जल्दी। आसान है ये भी, इसमें समस्या नहीं है, लेकिन पढ़ा करो ध्यान से और एक बार में ही पढ़ के उत्तर आ जाए। निम्न में से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सकता? मेले में खोए हुए बच्चे को ढूंढ निकालना, इससे तो जनता का विश्वास मिलेगा, मिलेगा। कह रहा जो नहीं पा सकता, नहीं पा सकता, यातायात व्यवस्था को संभाल कर दुर्घटनाओं को रोकता, यह भी उसका कार्य है। चोरी डकैती से जनता को बचाने के लिए गश्त लगाना, तो इससे भी लोगों में विश्वास पैदा होता है। केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना, केवल पुलिस स्टेशन में बैठे रहना, वहां से चला रहे हैं जो कुछ चला रहे हैं, तो आंसर क्या बनेगा बेटा? डी है। तो ऐसा कोई आचरण वो जनता का विश्वास वो प्राप्त नहीं कर सकता है, तो यहां पे जो आंसर होगा वो डी दिल्ली होगा। 26 को बाद करो बेटा, इसको कहते हैं SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये कौन से उसका प्रश्न है बेटा? SRT का। जब आपको कोई कंडीशन दे दी जाती है, आपको कोई सिचुएशन दे दी जाती है, तो आपसे यह पूछा जाता है कि आप उस स्थिति में कैसा रिएक्ट करेंगे, आप उस स्थिति में कैसा रिएक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर दे दो बेटा, 27 का उत्तर दे दें। तो आप फोन क्यों नहीं, आप बताते ना। ना 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 ना, यूट्यूब है भाई, आप वहां पे रात को सिनेमा देखकर आ रहे हैं, और अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे दो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? गुंडों से कहते हैं कि वहां से चले जाएं, नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें, लड़कियों के साथ जाकर घर तक उन्हें छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात है, आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं, ये एक अलग स्थिति हो सकती है, आप चुपचाप देखते हुए निकल जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे ही बनेगा। अब ये आगे बेटा बड़े बड़े, इनको पढ़ने में भी समय लगता है, इससे भी बड़े सवाल आएंगे और ऐसे सवालों को पढ़ने में भी समय लगता है। तो भाई जो मैं कहता था ना, मैंने आपको क्या कहा था कि आपके एग्जाम में 35 से 40 सवाल, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आपके एग्जाम में रीजनिंग में 35 सवाल से 40 सवाल ऐसे होंगे जो आपको पढ़ने में कोई विशेष एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा, वन गो में हो जाएंगे। 5 से 10 सवाल, 10 सवाल कम से कम ऐसे होंगे जिसमें आपको पढ़ने में समय लगेगा और थोड़ा सा और ज्यादा समय लगेगा। 5 सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन के लिए और ज्यादा भी टाइम लग सकता है, ठीक है? तो तुक्का मारने का तरीका, तुक्का कैसे लगाना है, रीजनिंग में कहाँ लगाना है,
कहां नहीं लगाना है ये आखिरी क्लास में मैं चर्चा करूंगा, वो आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। चलो पढ़ो, तब बताएंगे बेटा। तुक्का मारना भी एक कला होती है, और सही तुक्के कैसे मारे जाएं। सर जी हटो हटो, ओहो चलो करो। ए आओ, ये अनु अपने मित्र के साथ एक स्टेटस अवार्ड के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है, कंपटीशन कर रही है। अवार्ड एक निश्चित समय के भीतर मौखिक प्रस्तुति के माध्यम से निर्णित किया जाता है। देखो लैंग्वेज मुश्किल देता है, मौखिक प्रस्तुति के माध्यम से निर्णित किया जाता का मतलब क्या है कि आपको एक समय दिया जाएगा, उस समय में आपको अपना एक्सटेम्पोर डिबेट जैसे होता है उस समय में आपको बोलना है और आपका जजमेंट होगा कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया। अनु समय सीमा में अपनी प्रस्तुति पूरी करती है। अनु को मान लीजिए 5 मिनट का समय दिया गया, सभी के लिए 5 मिनट का समय था, तो 5 मिनट में उसने अपना पूरा कर लिया। और उसके मित्र को जूरी होता है जो जजमेंट, जूरी क्या होता है बेटा, जूरी होता है जो वहां पे जज बैठे हुए हैं, जज द्वारा निश्चित समय से ज्यादा समय तक बोलने की अनुमति दी जाती है। तो अब अनु को लगा यार मेरे को 5 मिनट दे रहे हैं, उसको 8 मिनट दे रहे हैं, उसको ज्यादा बोलने दे रहे हैं, मेरे साथ ये भेदभाव है, तो अनु को क्या करना चाहिए? ऐसे में सबसे अच्छी प्रतिक्रिया, इस भेदभाव के लिए उच्च अधिकारियों से शिकायत दर्ज करना, न्याय के लिए जनता के साथ बैठक कोई फायदा नहीं है, उस जगह से चले जाना इररिलेवेंट है, अपना नाम वापस लेने के लिए चयन कोई फायदा नहीं बेटा, ये रहेगा। उच्च अधिकारियों से अपनी शिकायत दर्ज कराई कि ऐसा भेदभाव क्यों किया गया, अगर इतना समय मुझे मिलता होता तो मैं और अच्छा प्रेजेंटेशन आपको दे सकता हूं। अब ये सवाल है, इसमें पेंच फंसेगा बेटा आपका, देखते हैं कितने बताएंगे, इस सवालों में पेंच फंसेगा आपका, बताइएगा। जीना को शक है कि उसका पड़ोसी उसकी जासूसी कर रही है, क्योंकि वह जीना को वह बातें बताती है जो वह नहीं जान सकती थी। पोस्ट में से उसके कुछ डाक गायब हैं, उसका घर ऐसा लग रहा है जैसे कोई चोरी छुपे घुसा हो, उसे क्या करना चाहिए? उसकी कुछ डाक गायब हैं, क्या करना चाहिए बेटा उसे? जीना को शक है उसकी पड़ोसी उसकी जासूसी कर रही है, क्योंकि वह बातें बताती जो वह नहीं जान सकती, जो उस पड़ोसी को नहीं पता होनी चाहिए वो बातें वो बता रही है। पोस्ट में से उसके कुछ डाक गायब हैं, कुछ डाक जो उसके लेटर वगैरह हैं, उसका घर ऐसा लग रहा है कि चोरी छिपे कोई पीछे से आया, क्या करना चाहिए? डाक से छेड़छाड़ की जांच करें और एंटी स्पाईवेयर का उपयोग करें, पुलिस से जाकर शिकायत करें, पड़ोसी को गिरफ्तार कराएं, कुछ ए कह रहे हैं कुछ बी। उसके इस व्यवहार के बदले में पड़ोसी की जासूसी, देखो बदला नहीं करना कभी भी, उसने मारा आप मारो, उसने पीटा आप पीटो, उसने जासूसी की आप जासूसी करो, अपोजिट नहीं करना है, ठीक है, सेम जैसे को तैसा नहीं करना है यहाँ पे। उसके बाद पड़ोसी पर जासूस करने का आरोप लगाकर स्वयं ऐसा करने की धमकी दें, धमकी नहीं देनी है। जब भी आप मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, धमकी है, मार पिटाई है, कुटाई है, ये आचरण आपको शोभा नहीं देता। सवाल ए और बी, ए और बी में पुलिस से जाकर शिकायत करे और पड़ोसी को गिरफ्तार कराए, अगर पुलिस से जाकर शिकायत करे क्या करे बेटा, प्रूफ मांगेगी पुलिस, है ना, तो सबसे पहले क्या करे, एंटी स्पाईवेयर का उपयोग करे, डाक से छेड़छाड़ की जांच करे। देखो गिरफ्तार कराना भी यहां सॉल्यूशन नहीं है, आप नहीं करा सकते, इम्प्रैक्टिकल है, आप किसी को गिरफ्तार कैसे करा सकते हैं? अगर यहां तक होता तो फिर भी ठीक है, पुलिस में शिकायत करे, लेकिन गिरफ्तार कराना, उसने उसको गलत कर दिया तो आधा उत्तर सही होता है इस स्थिति में, और आधा उत्तर क्या होता है, गलत होता है, आधा उत्तर सही होता है और आधा उत्तर गलत होता है। नंबर 30 जल्दी बताओ बेटा। समुदाय से संबंधित प्रश्न आ गया है, मोए मोए तो हो जाता है बेटा।
30 का क्या रहा बेटा, बी कह रहे हैं ए कह रहे हैं, क्या लग रहा है बेटा 30 का आंसर आपको? बी लग रहा है, ए लग रहा है। हम विभिन्न समुदायों से जुड़े हैं लेकिन हम में कुछ गुण सामान्य है, हम अलग अलग समुदाय के और हम में कुछ गुण सेम है। नीचे वे चार गुण दिए गए हैं जो समुदायों में से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक अच्छा समुदाय बनने में मदद करेगा, एक अच्छी कम्युनिटी बनाने में मदद करेगा, एक अच्छा धर्म बनाने में मदद करेगा? आप कुछ भी मान लो, अपने स्वयं के धर्म में निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में काम करना, अपने स्वयं के धर्म में काम करना। स्वयं में नहीं होगा बेटा, जो सबको साथ लेकर चले वो हमारा उत्तर होता है। एकता के साथ विभिन्न रीति रिवाजों और परंपराओं का जश्न मनाए। देखो इन्होंने क्या कहा, विभिन्न रीति रिवाजों और परंपराओं का जश्न, यही तो सही हो रहा है बेटा, यही तो हमारा सही है। अपनी भोजन आदतों को बनाए रखें, न कि उन्हें परस्पर मिलाएं, कि भाई वो वेजिटेरियन है हम नॉन वेजिटेरियन है, हम वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन, को अलग अलग रखें। मतलब कोई खा रहा है बेटा गुजरात का है, उनका अलग खान पान है, नॉर्थ इंडिया में अलग खान पान है, राजस्थान में थोड़ा अलग है, तो ऐसा करा अलग अलग रखो। सदस्यों को हतोत्साहित, डीमोरलाइज तो करना ही नहीं बेटा किसी को, डीमोरलाइज तो करना ही नहीं, तो वो गलत हो गया। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इस वाले पॉइंट को फिर एक्सप्लेन कर दो, तो मैं कर दूंगा। कि मान लो आपको बी समझ नहीं आया, सी समझ नहीं आया, डी समझ नहीं आया, तो मैं उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकता हूं आप लोगों को। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। जल्दी बताओ, ये कार्यवाही का भी सवाल हो सकता है, कथन एवं कार्यवाही, तो ये सवाल कार्यवाही का भी हिस्सा हो सकता है। जब पढ़ लें तो बेटा मुझे बताइएगा कि सर हो गया है पूरा। अनसेंसर्ड और सेल्फ सेंटर्ड टेलीविजन प्रोग्राम, बिना सेंसर किए गए या स्वयं सेंसर किए गए टेलीविजन प्रोग्राम में हिंसा की दर बहुत अधिक होती है। कई बेटा अनसेंसर्ड चल जाते हैं टेलीविजन पे शोज, वैसे हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड है जो उन्हें काटता है, लेकिन कई बार सेल्फ सेंसर्ड कर दिए जाते हैं, खुद से ही आपको दायित्व दिया जाता है। तो ऐसे टेलीविजनों शोज में हिंसा की दर बहुत अधिक होती है, जो शायद बच्चों के लिए उचित नहीं है। बच्चों को इन अयोग्य कार्यक्रम को नहीं देखना चाहिए। इसे निम्नलिखित में से किस कार्रवाई द्वारा रोका जा सकता है? कैसे रोकेंगे आप इसे? जैसे मूवी देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, मूवी वाला सवाल आता है, ध्यान से सुनिए, फिर आपके में सवाल आ सकता है। मूवी वाले में, मूवी जो हमारे यहाँ होती है वो यू सर्टिफिकेट की होती है। यू मतलब अंडर 13 और अंडर 18 की, 13 साल से कम बच्चों के लिए है, 18 साल से कम बच्चों के लिए है। यू ए होती है अडल्ट सर्टिफिकेट, जो 18 से ऊपर और 21 से ऊपर के लिए वहां पे वो मांग की जाती है, जहां पे मारधाड़ होती है, जहां पे हिंसा होती है, जहां गाली गलौच होता है। आपने देखा होगा वेब सीरीज है, तो वेब सीरीज पे भी सर्टिफिकेट होता है। जब आप मूवी देखने जाते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट के साथ लॉन्च किया जाता है कि भाई ये मूवी लॉन्च हो गई, इसका ये सर्टिफिकेट। अब एनिमल मूवी थी, एनिमल मूवी क्या परिवार के साथ बैठ के देखने की थी? बिल्कुल देखने की नहीं थी वो, लेकिन लोग अपने बच्चों को भी ले जा रहे हैं, लोग अपने माता पिता को भी ले जा रहे हैं। अब जब उस फिल्म में मारकाट होती है तो चलो वो तो ठीक है, कॉमन चीज है, लेकिन जब उसमें कोई ऐसा सीन आता है जो गलत प्रभाव डालेगा तो माँ बाप भी सोचेंगे देख साला कैसी फिल्म दिखाने के लिए हमें भी ले गया और खुद भी देख रहा है। तो उस समय बड़ी असहज स्थिति हो जाती है, घर में भी ऐसा होता है। तो लोगों में कमी क्या है कि सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट की जानकारी उन्हें नहीं है कि किस मूवी का सर्टिफिकेट, क्या आंख बंद करके मूवी देखने चले जाते हैं, बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। सरकार को सभी बच्चों को टेलीविजन देखने से रोकना चाहिए। कैसे रोक सकते हैं बेटा? रोक ही नहीं सकता, इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाले हिंसा के प्रभाव में माता पिता के अपने बच्चों को समझाना चाहिए। समझा सकते हैं, समझाना, मार्गदर्शन करना, गाइडेंस करना, काउंसलिंग करना, ये सही है। डी कैसे हो सकता, मूर्खो और मूर्खो। सी, बच्चों को केवल अपने माता पिता की उपस्थिति में टेलीविजन देखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ये इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि माता पिता हो तभी टीवी देखेगा, इम्प्रैक्टिकल है। माता पिता कहीं बाहर भी जा सकते हैं, वर्किंग भी हो सकते हैं, तो एक इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। अगला है, सभी टेलीविजन निर्माताओं को केवल बाल उपयोगी का निर्माण करने की अनुमति। जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो केवल बच्चों के कार्यक्रम बनाए, फिर बड़ों के कार्यक्रम, वो कार्टून कार्टून चलाते रहो। हम तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं, बच्चा जब कार्टून देखता है, आजकल कार्टून शोज ही देख रहे हैं। तो बेटा ये भी क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। डी कैसे हो सकता है कि केवल बच्चों के शोज बनाए? शोज तो सभी बनेंगे बेटा, सरकार क्यों नहीं बैन कर देती? जो वेब सीरीज चलती है उनको क्यों नहीं बैन कर देती सरकार? मिर्जापुर वेब सीरीज थी, क्यों नहीं उसको बैन कर दिया? लेकिन दिन चलाती फिर भी है, चलाने की परमिशन फिर भी है क्या? नहीं बेटा, बात समझ में आ गई, तो फिर भी चला रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे यहां पे होगा। तो सभी के लिए मनोरंजन का ध्यान रखा जाता है। अगला सवाल, इतना पढ़ने में बेटा समय लगेगा।
जल्दी 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 जल्दी। भोकाल को भी बैल करे, 12th फेल अच्छी है सर। हाँ जैसे 12th फेल है, मोटिवेशनल है। जल्दी जल्दी मेरे भाई। शीतल अपने परिवार के साथ फिल्म देखने गई थी, तब कॉलेज की लड़कियों का एक समूह उसके सामने आकर बैठ जाता है। लड़कियां थिएटर में दुर्व्यवहार करती हैं, तेज आवाज में बात कर रही हैं और अपना मोबाइल स्विच ऑन कर रखी हैं। फोन बज रहा है उनका, वो कह रहे हैं कि अपना जो मोबाइल है वो स्विच ऑन उन्होंने कर रखा है। ठीक है, तो उनका फोन भी बज रहा है, बेटा मोबाइल स्विच ऑफ है। वे तेज आवाज में बात कर रही है, मोबाइल स्विच ऑन कर रखा है। फोन के शोर और लाइट दोनों से शीतल को उसके परिवार को परेशानी हो रही है। पहली चीज, वो क्या कर सकती है, शीतल को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? शीतल को क्या करना चाहिए? मार धाड़ झगड़ा ये सब चीजें नहीं चलेगी। लड़कियों को रोकने के लिए इससे अधिक शोर करे जिससे लड़कियां शोर कर रही हैं। कह रही जितना वो शोर कर रही है ना उतना शोर हम भी कर दें। भाई मैंने क्या कहा है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये बिहेवियर आप नहीं देंगे तो ये गलत है। उसके बाद सिनेमा के मालिक से मिलने के लिए कहें और उनसे शिकायत करें, ये बाद की बात हो सकती है। सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए, एक द्वारपाल की तलाश करें और लड़कियों के व्यवहार के बारे में शिकायत करें। वहां पे जो गार्ड खड़ा होता है उनको करे और उनके व्यवहार की, हो सकता है, लेकिन हमें बताना है बेस्ट। उसके बाद दिया गया, नेतृत्व करें और लड़कियों से अपने फोन स्विच ऑन करने की बात करने का अनुरोध करें। लीन इन, नेतृत्व नहीं है यहाँ पे, लीन इन का मतलब यही है कि लड़कियों से अपने रिक्वेस्ट। तो सबसे पहला काम होता है रिक्वेस्ट करना। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने दुर्व्यवहार कर रहा है तो आपको क्या करना है, सीधा कान के नीचे नहीं लगाना है, उसको मुक्का नहीं मार देना। पहला काम जो होगा वो आपका रिक्वेस्ट का होगा कि आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट करने के बाद न माने तो वो एक अलग चीज है, फिर आप अलग अलग ऑप्शंस पर जा सकते हैं। इन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज वो क्या कर सकती है, तो पहली चीज पर आपको फोकस करना है कि इनमें से पहली चीज जो होगी वो क्या होगी। नंबर 33, भारत में जनता निम्नलिखित में से एक को छोड़ के सभी चीज के लिए पुलिस को दोषी मानती है, एक को छोड़ के बाकी सभी काम पुलिस का है कि भाई ये हो रहा है तो ये पुलिस क्यों नहीं कर रही, वो हो रहा है तो पुलिस क्यों नहीं कर रही, किसी एक को छोड़ के सभी काम के लिए पुलिस को दोषी मानती है, तो वो क्या काम है वो बताइएगा। क्या है भाई, सिंपल है ये तो, पेयजल की आपूर्ति पुलिस का काम थोड़ी है बेटा। बाकी जो कमी है वो पुलिस की वजह से है, सड़कों पे सार्वजनिक अनुशासनहीनता पुलिस की कमी है, यातायात की भीड़ पुलिस की कमी है, ट्रैफिक पुलिस की, शहर में कानून व्यवस्था। लेकिन अगर ये कहे कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन कौन सा पुलिस का काम है, तो हम कहेंगे ये भी पुलिस का काम है, ये भी पुलिस का काम है और ये भी पुलिस का काम है, इन सब में ये पुलिस का काम हो सकता है। नंबर 34, नंबर 34, पढ़िए बेटा, पॉलिटी में आपने बातें पढ़ी हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये सारी तमाम बातें आप पॉलिटी में पढ़ेंगे जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। विधि शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह सिद्धांत कि सभी लोग और संस्थाएं कानून के अधीन है उसके प्रति जवाबदेह है। इसमें फंसेगा पेंच। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स गलत वाली बतानी बेटा, अबाउट द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ विधि शासन, द प्रिंसिपल दैट ऑल पीपल एंड इंस्टीट्यूट सब्जेक्टेड टू एंड अकाउंटेड विद द लॉ। ये ऐसा नियम होता है बेटा, देखो नियम कानून से सारे लोग चलते हैं, सारे इंस्टीट्यूट चलते हैं और वो सभी के सभी इसके प्रति जवाबदेह हैं। मैं भी कानून के प्रति जवाबदेह हूं, आप भी कानून के प्रति जवाबदेह हैं, तो यहां पे कौन सा स्टेटमेंट जो है उसके बारे में कहा गया है वो गलत है। यह आमतौर पर शक्ति के मनमाने उपयोग को रोकता है, तो ये बात तो ठीक है भाई, ये रोकता है उस चीज को, ये बात तो ठीक है, हमें गलत बतानी है। यह लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता है, तो ये बात भी ठीक है, भेदभाव कहां करता है।
यह उन लोगों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की जांच करता है जिनको प्राधिकार प्राप्त है. इट चेक द मिसयूज ऑफ पावर हु हैव अथॉरिटी. वो सभी उसके अधीन आते हैं. ठीक है. इट गिव्स इंडिविजुअल राइट दैट कैन बी इजीली रिवोक्ड. यह व्यक्तियों को ऐसे अधिकार देता है जिनको आसानी से रद्द किया जा सकता है. बेटा यही तो गलत है यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम. मतलब ये हमें इंडिविजुअल को, ये इंडिविजुअल को ऐसे अधिकार देता है जो आसानी से रद्द हो सकते हैं, हम अपनी मर्जी से चल सकते हैं चीजों को. आप फंस गए पेंच में एक बहुत सिंपल सवाल को केवल लैंग्वेज के फेर में फंसाकर आपके सामने प्रस्तुत किया और आप उसमें फंस गए. ये एक नियम कानून की बात कर रहे हैं. नियम कानून के दायरे में मैं भी हूं, आप भी हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, एमएलए भी हैं, और हमारा जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वे भी कानून के दायरे में, हालांकि उनके पास कुछ अलग शक्तियां दी गई हैं. तो ये जो नियम कानून हमारे लिए बनाए गए हैं ये आमतौर पर शक्ति के मनमानी उपयोग को रोकता है. अब कोई पुलिस अधिकारी बन गया दरोगा तो वो दरोगा बन के यूं सोचेगा कि मेरे अधीन हो गया सब कुछ, उसको रोकने का काम भी यही करेगा, वो भी अब नियमों के तहत बंधा हुआ है. ये लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता, ये बात बिल्कुल सही है. यह उन लोगों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग की जांच करता है जिनको अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही है. डी ये गलत है, ये इसके बारे में स्टेटमेंट फॉल्स है. ये व्यक्तियों को ऐसे अधिकार देता है जिन्हें आसानी से रद्द किया जा सकता है. नहीं बेटा, अधिकार रद्द नहीं हो सकते, तो गलत हो जाएगा ना. नियम बना, रद्द कर दिया इंडिविजुअल को, फिर क्या रहा बेटा. ये तो दिखने में पढ़ने में सारे एक जैसे लगते हैं मेरे भाई, गलती मत कीजिएगा. देखो ऐसी जो बड़ी बड़ी सवाल होते हैं ना, इनको पढ़ने में भी समय लगता है ना, इनको ध्यान से देने में भी समय लगता है. तो ध्यान से पढ़ाएगा. मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे रखे हैं, उसमें से आपको बताना है. इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ऐसे प्रश्नों में जो है वो गलती हो जाती है. ग्रांट और एंडी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान आने के लिए दृढ़ता से कंपटीशन करते हैं. प्रथम स्थान आने के लिए रैंडी ने फाइनल परीक्षा में धोखेबाजी की. रैंडी ने गड़बड़ कर दी, चीटिंग कर दी, क्योंकि वह जानता था कि परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं और ग्रांट की अपेक्षा कम आने की संभावना थी. रैंडी ने गड़बड़ कर दी, उसको पता था वो नंबर कम आएगा, तो उसने क्या किया, चीटिंग से वो पूरी तरह तैयार नहीं था और उसने कम अंक आने की संभावना थी. रैंडी ने ग्रांट की अपेक्षा ज्यादा अंक प्राप्त की. अब चीटिंग करके ज्यादा नंबर ले आया, कौन ले आया, रैंडी. और उसके प्रोफेसर ने छात्रवृत्ति की सिफारिश की. अब आप एक क्लास में पढ़ते हैं, आपका नाम ग्रांट है, आपके दोस्त का नाम रैंडी है. रैंडी ने सहारा लिया और उन्होंने क्या किया कि वो चीजों को नकल करके ज्यादा नंबर ले आया. और प्रोफेसर ने कहा भाई रैंडी को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उसे अपने, उसे मतलब रैंडी को, यहां किसकी बात हो रही है, रैंडी की, तो रैंडी को अपने प्रोफेसर की नजर में सम्मान दिलाएगी. छात्रवृत्ति को स्वीकार करना जिसके लिए ग्रांट पात्र है, नहीं बेटा ये तो उसकी बेइज्जती है. अगर पता लगे कि चीटिंग से जीता और छात्रवृत्ति मिल गई तो ये तो उसकी बेइज्जती है, सम्मान कहां दिलाएगी. प्रोफेसर के समक्ष स्वीकार करना कि परीक्षा में धोखेबाजी की, बिल्कुल सही बात है. प्रोफेसर से जाके कहे कि सर मैंने ये जो जीता है, मैंने ये नकल से, ये धोखेबाजी से जीता है और इसका जो सही पात्र है वो ग्रांट है. तो प्रोफेसर सोचेगा चलो बच्चे ने रियलाइज कर लिया तो सम्मान पैदा होगा, है ना. अपने प्रोफेसर के साथ तर्क करना छात्रवृत्ति उसके लिए महत्वपूर्ण थी, प्रोफेसर के सामने ये गलत है. ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, एकदम ओके. चलिए अगला सवाल नंबर 36 पर हम जाएंगे. अगला सवाल है नंबर 36. जल्दी बताओ, बहुत आसान है, इसमें गलती नहीं होगी, ध्यान से पढ़िएगा. सर आगरा में जो मॉक बांट रहे हैं पीडीएफ, सबको दूंगा बेटा पीडीएफ, ऑनलाइन भी दे दूंगा उस पीडीएफ को, और सॉल्व भी कराएंगे यूट्यूब पे, उसका सॉल्यूशन भी कराएंगे हम आपको एक बार. जितने भी बच्चे हैं ना बेटा, सारे के सारे इसको शेयर कर दो. गुरुजी रोक के भाई वाला लुक बना रखा ना बेटा, हमने तो कुछ नहीं बना रखा, हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं. ब्रायन इज एट हिज लैपटॉप इन ऑफिस व्हेन द पुलिस कम्स टू सर्च.
जब पुलिस तलाशी लेने आती है तो ब्रायन कार्यालय में अपने लैपटॉप पर होता है। उसके लैपटॉप को छीनने का एक कौन सा कारण होगा? वह मान लो पुलिस तलाशी लेने के लिए आ गई, अब क्यों आ गई, किस वजह से आ गई, इन सब चीजों से भाड़ में जाओ। आपको देखा पुलिस आई है, उसका लैपटॉप छीनेगी तो किस बेस पर छीनेगी, आपका छीनेगी तो किस बेस पर छीनेगी। अपने बॉस को सबमिट करने के लिए एक्सेल शीट पर काम करें तो पुलिस को क्या दिक्कत है भाई, करता रहे तू काम, क्यों लेगी लैपटॉप। एक रोमांटिक कॉमेडी का आखिरी दृश्य देख रहा है क्योंकि लंच ब्रेक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लंच ब्रेक में जो मर्जी कर, रोमांटिक कॉमेडी देख, हॉरर मूवी देख, प्यार की पिंगे बड़ा, क्या मतलब है पुलिस को। अपने भाई की शादी में ली गई तस्वीरें अपने सहयोगी को दिखा रहा है, दिखाता रहे पुलिस को क्या दिक्कत है। एक वेबसाइट ऐसी खोल के बैठे हैं जो बम बनाने के बारे में टिप्स देती है कि विस्फोटक बम कैसे बनाए जा सकते हैं, तो पुलिस उठा ले जाएगी भाई। बात समझ में आ गया? जैसे रुचि है अगर आपकी तो क्यों रुचि है उस चीज में, बम बनाने में, है ना। नेक्स्ट नंबर 33, वहां बताइए, मजे आ रहे बेटा नहीं आ रहे क्वेश्चन सॉल्व करने में, एंजॉय कर रहे हो? इसमें कुछ लिखना नहीं, कुछ और करना नहीं, और साथ साथ आपकी चीजें कुछ पक्की हो रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं सारे के सारे, खुश हो रहे, कमेंट भी बड़े स्पीड से भाग रहे हैं। और आज 1425 बच्चे लाइव, ऐसे हजार आते हैं, आज थोड़े ज्यादा आ गए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। अरुणा को एहसास हुआ कि उसके पड़ोसी का बच्चा जो उसकी 3 साल की बेटी के साथ खेलने के लिए आता है वह बधिर है और वाक् दोष भी है। वो बेटा बोल सुन नहीं सकता और बोलने में भी दिक्कत होती है, स्पीच डिसऑर्डर है, गूंगा नहीं है, स्पीच के डिसऑर्डर है। अरुणा की निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा उसे अपने पड़ोसी के बच्चे के प्रति संवेदनशील, संवेदनशील मतलब कि वो उस बच्चे का भी ध्यान रख रही है, वो उस बच्चे के प्रति भी प्यार रखती है, प्रेम रखती है, सम्मान रखती है, तो कौन सी उससे माना जाएगा। अरुणा ने अपने पड़ोसी से अपने बच्चों को स्पीच थेरेपिस्ट से ले जाने का अनुरोध किया। देखो ये तो अनुरोध सब करते हैं कि आप, हो सकता है ऑलरेडी ले जा रहे हो, लेकिन हमें बताना सबसे बेहतर। मैंने कहा पूरा पढ़े बिना आंसर मत दिया रहो, कभी ए पे टिक कर दो। अब कुछ बच्चे ये भी बता रहे हैं, मैं कमेंट देख रहा हूं। अरुणा अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसे अन्य बच्चों के साथ, बिल्कुल सही बात है। ऐसा थोड़ी कि वो गूंगा है, बहरा है, तो उसके साथ कुछ अलग से व्यवहार करेगी। सेम, उसको रियलाइज ना कराए, बच्चे को फील ना होने दे। अरुणा ने अपने 3 वर्ष के बच्चे को पड़ोसी से बेटी से दूर रखा, ये तो गलत हो जाएगा बेटा, ये तो हीन भावना की पैदा स्थिति पैदा करेगा। अरुणा ने अपनी बेटी को एक सामान्य बच्चा बनाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया, भगवान मेरा तुमने ठीक कर दिया, देख कैसे कैसे बच्चे पैदा कर रखे हैं। तो बेटा ये तो गलत हो जाएगा ना, गांव देहात में आमतौर पर ऐसे लोग बोल देते हैं, लेकिन वो देखिए कि जिसका जो बच्चा उस पर वो क्या बीत रही होगी। गाँव में बोलते नहीं बोलते भाई, होता है, हम भी गाँव के ही है, हमें पता है कि कैसे कैसे होते हैं। सर लैंग्वेज हार्ड है, बेटा लैंग्वेज का ही तो खेल है, लैंग्वेज में आपको मैं जितने मुश्किल वर्ड्स हैं, अब बधिर मतलब गूंगा, वाक दोष मतलब डिसऑर्डर, संवेदन मतलब संवेदना के साथ होना है, क्रिया मतलब कार्यवाही होना, इन चीजों के अर्थ समझ लोगे तभी तो कर पाओगे, क्योंकि खेल लैंग्वेज का है मेरे भाई, खेल लैंग्वेज का है। शेयर भी करते रहो बेटा, लाइक कर रहे हो तो फिर बहुत अच्छा सवाल है, हो सकता है आपकी शादी भी ऐसी जगह हो जाए, हैं? हो सकता है आपकी शादी भी ऐसी जगह हो जाए, तो कैसे तालमेल बिठाओगे बेटा शादी के बाद, सीखो कुछ, अभी टिप्स आपको मिल रही हैं। गुरुजी कैलेंडर में दिक्कत आ रही है, कैलेंडर की मैराथन अटेंड नहीं की भाई सबने, अरे कैलेंडर की मैराथन है, अटेंड क्यों नहीं करते बेटा, क्या दिक्कत आ रही है, कैलेंडर की मैराथन को अटेंड करो, क्या समस्या आ रही है वहां पे है बच्चे। 38वां आपको बताना है, 38। वेणु पूर्ण रूप से वेगन है, वह व्यक्ति जो पशु उत्पादों से उपयोग से परहेज करता है। वीगन किसको बोलते हैं बेटा, वीगन उसको बोलते हैं जो पशु उत्पादक के उपयोग से परहेज करता है, विशेषतः आहार में पशु उत्पाद, मीट मांस मछली वो नहीं खाता है, उसे परहेज करने की आदत है। उसने सूजी से शादी के लिए, वेणु बेचारा साउथ इंडियन है, उसने सूजी से शादी कर ली है ना, अंग्रेजन ले आया वो शादी करने के बाद, अब वो मांस की चिकन की शौकीन है, वो दबा के खाती है भाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की पुष्टि करता है कि खाद वरीयता, वरीयता होता है प्रेफरेंस,
खाने की प्रेफरेंस, जैसे आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी वरीयता क्या है, आपकी इसको प्राथमिकता, वरीयता का मतलब प्राथमिकता, कि खाने की प्राथमिकताओं की जो विभिन्नता के कारण उनके संबंध प्रभावित होने की संभावना एक होता है एक होता नहीं है, उनके संबंध प्रभावित नहीं होंगे, किससे संबंध प्रभावित नहीं होंगे। वेणु ने जोर देकर कहा कि अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो मांस और चिकन खाना बंद करना होगा। तो धमकी हो गई भाई, तो इससे तो संबंध खराब होंगे इनके, इससे संबंध क्या होंगे, खराब होंगे। तुम तो लठ लेके खड़े हो गए बेटा, ए ऑप्शन वाले तो मूर्ख हैं। एक दो एक ऑप्शन बता रहा था। दूसरा, सूजी अक्सर अपने बच्चों को मांस और चिकन नहीं खिलाने के कारण बहस करती थी। बहस तो करनी थी ना बेटा, बहस से तो उनका तलाक करवा दोगे तुम, बहस करवा के तो उनका तलाक हो जाएगा। आया ना में जवाब दो। उसके बाद सूजी ने कभी भी घर पर मांस या चिकन नहीं पकाया और वेणु ने जोर नहीं दिया कि वो मांस खाना बंद कर दे। ठीक है बेटा, दोनों के बीच में कोऑपरेशन है, घर पे वो खा नहीं रही है तो वो भी नहीं कह रहा कि भाई ठीक है तू मांस खाना बंद कर दे, तो इससे क्या तालमेल बना रहेगा। तो तुम भी किसी सूजी को शादी करके लाओगे तो तुम्हारी निभ जाएगी, और पहला और दूसरा स्टेटमेंट दे दिया तो तुम्हारे लठ बजेंगे। वेणु ने सूजी द्वारा पकाया गया कुछ भी खाने से इनकार कर दिया और कह रहा मैं नहीं खाऊंगा, तेरे हाथ में तो मांस के हाथ है तेरे, अशुद्ध हो जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, खुद पका के खाऊंगा, फिर शादी क्यों कर रहा जब पता था तेरे को पहले से ही। मैं तो बाद में चोचले दिखाने की क्या जरूरत है, तेरे माँ बाप भी कहेंगे कि हराम खोर, जब तेरे को पहले पता था ये नॉन वेजिटेरियन है तो जरूरी थी तेरे को सूजी से शादी करनी। समझ में आ रहा है, मैं सिर्फ इन बातों के मतलब की आपको पुष्टि कर रहा हूं। नेक्स्ट, पढ़ो पढ़ो बेटा पढ़ो, सहारनपुर भी आना पड़ेगा बेटा, मुझे लग रहा है अब मुझे रोज कहीं ना कहीं जाना है। सर बेलन से प्रहार होगा, हाँ हो सकता है बेलन से प्रहार, हेलमेट पहन के रहना पड़ेगा घर पे वेणु को। सर मैं पहले रीजनिंग करूंगी फिर हिंदी, मर्जी है बेटा आपकी। NESW वाला फार्मूला परछाई में फेल हो रहा है बेटा, सद्दाम हुसैन तेरे को लगाना नहीं आ रहा। NESW वाला जो फार्मूला है वो फेस की दिशा बताने के लिए ही काम आता है, अदरवाइज उसके अलावा आपको डायग्राम से बनाना पड़ेगा। सैमुअल लैंगिक समानता का प्रबल समर्थक है और उसे समावेश करने, पहल करने और सामाजिक बदलाव करने का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। उसे जेनेवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन के संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया। उसे इस सम्मेलन में, अब ये देखो सैमुअल क्या है, लैंगिक समानता का प्रबल समर्थक है। लैंगिक समानता मतलब मेल और फीमेल की जेंडर जो है इक्वालिटी होनी चाहिए। उसे समावेश करने, समावेश क्या होता है बेटा, सभी को साथ लेकर चलना, ये समावेश कहलाता है, इंक्लूजन बोलते हैं, सभी को साथ लेना, पहल करना और सामाजिक बदलाव का समर्थन करने के लिए जाना जाता है, ये सैमुअल को जाना जाता है। उसे जेनेवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन के आयोजक के रूप में नियुक्त किया गया, संयोजक कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उसे इस सम्मेलन में लैंगिक समानता के अनुरक्षण के लिए एक आचार संहिता का मसौदा तैयार करना है, मेल और फीमेल सेम है, इसको बनाए रखने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करना है, ड्राफ्ट मसौदा पॉइंट, ड्राफ्ट क्या होता है पॉइंट, जो पॉइंट उसको बोलने हैं। सैमुअल द्वारा इस मसौदे में निम्नलिखित में से किसको शामिल किए जाने की संभावना नहीं है, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ कौन सा है भाई, जो जेंडर इनइक्वालिटी के फेवर में होंगे ये तो उनको शामिल करेगा कि मेल भी सेम है और फीमेल भी सेम है, जेंडर इक्वालिटी यही होता है। तो मेरे बच्चे जो इनके साथ होंगे जेंडर इनइक्वालिटी में, मेल और फीमेल को इक्विवेलेंट दिखा रहे होंगे, वो तो मसौदे का हिस्सा होगा, ड्राफ्ट का हिस्सा होगा, अदरवाइज उसके अलावा कुछ अन्य आ रहा है तो वो ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं होगा। ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट एंड ऑनर, ये ड्राफ्ट का हिस्सा होना चाहिए बेटा, सभी के साथ मेल हो फीमेल हो सम्मान के साथ, ये ड्राफ्ट का हिस्सा होगा। अपने विचारों की समालोचना में विनीत और सचेत रहे, मतलब पोलाइट रहे, सम्मान दे सभी को, ध्यान रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं ये बात सही है, सम्मेलन के नियमों और नीतियों का सम्मान करे ये सही है, केवल पुरुष वैज्ञानिकों के साथ संवाद करे। तो फिर फीमेल क्या करेंगे बेटा, ये तो जेंडर के खिलाफ काम कर रहा है, ये डी स्टेटमेंट का जो मसौदा है ये केवल शब्द जहां आ जाता है तकरीबन वो गलत होता है।
ये मैंने बताया केवल शब्द आते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे डी आ गया बेटा, आ गया बात समझ में, आ गई बेटा। ओके रिपोर्ट है 39 के बाद आता है 40, 40 सरकारी रेलवे पुलिस, हालांकि आपका तो नहीं है लेकिन ये आपके यूपी के एग्जाम में ही आ गया। अब रेलवे पुलिस से सवाल है लेकिन पूछ लिया आपके यूपी के एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, बता दो कौनों की दिक्कत नहीं, ठीक है मेरे भाई। सारे के सारे बहुत अच्छे से बड़े प्रेम से मेरे साथ जुड़े रहिए और बताइए कैसे कैसे ये चीजें होने जा रही हैं। करा दूं, सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा निम्नलिखित इस एक को छोड़कर अन्य सभी कर्तव्यों का पालन किया जाता है। स्टेशनों पर रुकने वाली पैसेंजर ट्रेन में कानून व्यवस्था बनाए रखना, यह रेलवे पुलिस का काम है बेटा। ट्रेन में मरने वाले व्यक्तियों का शव निकालना, यह भी पुलिस का काम है। आपको लग रहा है बी, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो शव निकालने का काम पुलिस ही करती है। प्लेटफॉर्म और ट्रेन टिकट की जांच करना, ये टीटी का काम है बेटा, टिकट चेक कर करेगा ना ये, तो ये पुलिस थोड़ी करेगी, ये पुलिस थोड़ी करती, तो कॉमन सेंस की बात है बेटा। और स्टेशन परिसर के भीतर यात्री यातायात को नियंत्रित करना, ये सब रेलवे पुलिस के काम है सिवाय सी को छोड़कर। तो बी में आपका पेंच फंस गया था, कुछ लोग बी बता रहे थे, निश्चित रूप से आप गलती कर रहे थे। 41 41 का मेरे बच्चे उत्तर बताइए क्या होगा। लैंग्वेज टफ है, आपका पेंच फिर फंसेगा 41 में। यह चैप्टर बेटा अगर पूरे करा दूं तो मजा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बेटा, समस्या खत्म हो जाएगी ना, रीजनिंग मैटर खत्म हो जाएगा हमारे बच्चों का, हमारे बच्चों का रीजनिंग मैटर खत्म हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सार्वभौमिक सिद्धांत, सार्वभौमिक होता है यूनिवर्सल, जो पूरे वर्ल्ड में लागू हो, सिद्धांत नहीं है, नहीं है, जिसमें सभी लोग और संस्था कानून के अधीन है और उसके प्रति जवाबदेह हैं। बेटा पूरे वर्ल्ड में सभी लोग और सभी संस्थाएं क्या है, वो कानून के प्रति अधीन है और कानून के प्रति जो है वो जवाबदेह है। तो इसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है, 41 में जो पूछा ये पूछा कौन सा सिद्धांत नहीं है। कानून स्पष्ट, प्रचारित और खंडित है, कानून स्पष्ट है, पब्लिसाइज्ड है और खंडित है। लेट गए बेटा सारे, सबका गलत है, सबका गलत है, सब गलत है, टोटली गलत है। कानून खंडित नहीं है, खंडित वो होता है जो टूटा फूटा हो, जो ब्रेक हो, जो रिबटेड हो, जिस पर, यही तो होगा बेटा आंसर। खंडित कैसे हो सकता है, कानून स्पष्ट हो सकता है, कुछ हद तक प्रचारित हो सकता है, कुछ हद तक, खंडित है टूटा हुआ, क्या बात कर रहे हैं बेटा। यही चीज तो गलत कराता है कि स्टेटमेंट में आधा सही और आधा गलत करता है। अरे भाई साहब यही होता है, इसमें क्या दे दिया, शुरुआत में तो ऐसी चीज दे दी जो सही है, लेकिन गलत हो रहा है ऐसी चीजों पर आपको ध्यान देना है। मेरे बच्चों कानून बनाने की प्रक्रिया सुलभ, निष्पक्ष और कुशल है, ये बात बिल्कुल ठीक है बेटा। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो एक्सपेयर है, एफिशिएंट है, एक्सेसिबल है, सब उसको रीच कर सकते हैं। हमारे यहाँ कानून बनता है तो उसे बिल बना के, ड्राफ्ट बना के पेश किया जाता है, उस पर चर्चा होती है, फिर उस पर वोटिंग होती है, तब वो कानून जाके बनता है। उसके बाद बेटा न्याय सक्षम और नैतिक प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है, बिल्कुल। जस्टिस किसके द्वारा किया जाता है, मॉरल रिप्रेजेंटेटिव, जो उसके लिए सक्षम है, जैसे जज है, न्याय वो कर रहे हैं। ये कह रहा है देखो इसको ऐसे समझो, एक बच्चे ने कहा सर समझ नहीं आ रहा, कानून से रिलेटेड कौन सी चीज नहीं है, बस इतना समझ लो। कानून स्पष्ट है, ठीक है, प्रचारित कुछ हद तक है, खंडित है, टूटा फूटा है नहीं है, टुकड़ा खंडित टूटा हुआ है, कहां है बेटा, तो यह गलत हो गया ना बेटा। यही है, यह सिद्धांत नहीं है कानून के बारे में। कानून बनाने की प्रक्रिया सुलभ, निष्पक्ष और कुशल है, बिल्कुल सही बात है। न्याय सक्षम और नैतिक प्रतिनिधि द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। मैं थोड़ी न्याय कर रहा हूं, न्याय कौन कर रहा है, जो जज है, जो व्यक्ति है, जो ऑथोराइज पर्सन है, वही न्याय कर रहे हैं। सरकारी और निजी कलाकार कानून के तहत जवाब दें, सभी जवाब दें बेटा, पब्लिक भी, प्राइवेट भी, सरकारी भी, पब्लिक भी,
प्राइवेट भी, एक्टर भी, डायरेक्टर भी, सभी कानून के प्रति जवाबदेह हैं, सभी कानून के प्रति जवाबदेह हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये एक्टर देख के आपका दिमाग क्यों चौंक गया भाई? एक्टर हो, डायरेक्टर हो, नेता, अभिनेता, राजनेता, कोई फेमस पर्सनैलिटी, कोई न्यूज़पेपर का एडिटर, कोई एंकर, सभी कानून के प्रति जवाबदेह हैं। समझ में आया बेटा, नहीं समझ में आया जल्दी जल्दी बताओ बेटा, क्लियर हो गई चीज़ आप सभी को, समझ में आया? जल्दी जल्दी क्या करो बेटा, पढ़ रहा हूँ और आपका उत्तर बता रहा हूँ। इसमें भी गलती करोगे मुझे पता है, मोए मोए होगा तुम्हारा इसमें भी, इस सवाल में गलती करते ही करते हैं, सवाल में भी आप गलती करते हैं। सैमुअल स्वयं काम करना पसंद करता है, उसे दूसरों लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, उसे ईमेल लिखना पसंद नहीं है, सैमुअल के इसमें सफल होने की संभावना है। सैमुअल किस काम में करेगा? एक स्थिति दे दी है, सैमुअल स्वयं काम करना पसंद करता है, उसे दूसरे लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, तो सैमुअल के लिए क्या काम बढ़िया होना चाहिए? ह्यूमन रिसोर्सेज और स्टाफिंग, मानव संसाधन पता है क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज वो होता है कि लोगों की भर्ती करना बिना किसी जाति धर्म। लेट गए बेटा सारे के सारे, डी 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 डी। अबे मूर्खों, ये है, एक आंसर डी देगा, सारे डी दे दोगे तुक्केबाज मास्टर, और तो ऐसे तो तुक्के भी गलत हो जाएंगे बेटा तुम्हारे, तुम्हारे तुक्के भी गलत हो जाएंगे, क्या करोगे फिर तुम? जब तुक्का भी आपका गलत हो रहा है फिर क्या करोगे? सैमुअल स्वयं काम करना पसंद नहीं करता, वो स्वयं काम नहीं करता, उसे दूसरों लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, स्वयं काम करना पसंद करता है, खुद से काम करना है, दूसरे लोगों से बातचीत नहीं करनी, और उसे ईमेल लिखना पसंद नहीं, उसे मेल वगैरह ये सब चीजें। मानव संसाधन और स्टाफिंग, स्टाफिंग होती है स्टाफ की भर्ती करना, ऐसे लोगों को ही एचआर चुना जाता है। अगर कोई ज्यादा टॉकेटिव है, ज्यादा बातूनी है, तो वो दूसरों से प्रभावित तो होगा। ह्यूमन स्टाफ में मानव संसाधन, जैसे हमारे यहां एचआर मैनेजर है, तो एचआर मैनेजर हम ऐसा रखते हैं जो ज्यादा एक्स्ट्रोवर्ट ना हो, जो दूसरों से मेल जोल ना बना के रखे, फिर तो वो उनसे प्रभावित होगी, उसको अपनी भर्ती में शामिल कर लेगा। किसी कंपनी में लोगों की भर्ती होनी होती है तो ये मानव संसाधन के रूप में वो मैनेजर होता है, किसी टीम के प्रबंधक के रूप में। मैनेजर को बेटा मेल करना, ये करना और दूसरे लोगों से बात करना, ये करना पड़ेगा मैनेजर को। मैनेजर को सबको एक्स्ट्रोवर्ट होना चाहिए। एक्स्ट्रोवर्ट होता है बाह्यमुखी, इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल शांत रहते हैं, उनका ज्यादा बड़ा सर्कल नहीं होता, वे कुछ लोगों से ही बोलचाल करते हैं, ये होते हैं इंट्रोवर्ट। एक्स्ट्रोवर्ट वो होते हैं जो बाहर सभी से मेलजोल बना लेते हैं, तो ये बहिर्मुखी प्रति, अंतर्मुखी प्रतिभा का है। सोशल मीडिया में तो बेटा बहुत ज्यादा चीजें चाहिए, दूसरों से बात करना, ये करना, ऐसे पैसे जिसमें अलग अलग व्यक्ति की, ये बातचीत के लिए मना कर रहा है और तुम इसको उत्तर दे रहे हो बिना पढ़े। ये कह रहा दूसरों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता और अलग अलग बातचीत की आवश्यकता हो। ये देख तो लो बेटा कितना ब्लंडर कर रहे हो आप, ये आप देख तो लो कि कितनी बड़ी मूर्खता आप कर रहे हो। तो यहां पे 42 का जो उत्तर होगा वो डी दिल्ली होगा। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताओ बच्चे, एकदम ओके हैं? एकदम ओके हैं? समझ में आया? क्लियर है? चलिए 42 के बाद 43। आग लगने के दौरान पुलिस को एक को छोड़कर अन्य सभी के लिए जिम्मेदार है, घटनास्थल के आसपास खड़े लोगों की सुरक्षा करना, अग्निशामक विभाग के उपकरणों की सुरक्षा करना, फोटो क्लिक करने में फोटोग्राफर्स की मदद करना। ये पुलिस का काम थोड़ी बेटा, जर्नलिस्ट वैसे इतने हरामखोर हैं, वो तो पता नहीं कहां फोटो शूट कर देंगे, तो पुलिस क्या करेगी इसमें? आगे बेटा समझ में आ गई, एसएससी सीजीएल वगैरह में ये नहीं आता, स्टेट एग्जाम में ये पूछा जाता है। आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी करेंगे, पुलिस एग्जाम की, अगर कहीं पर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में बेटा आपसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, तो आपका उसको सही उत्तर देना होता है। आप स्पेशल बैच में कराते हैं बेटा, ये वीडियो अपलोड करा दूंगा मैं स्पेशल बैच में। रीता बैंक से ऋण लेना चाहती है, उसके बैंक को निम्नलिखित में से कौन सी एक सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है? उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाने का आश्वासन देना,
नहीं है, नहीं है। बैंक को क्या सेवा नहीं देनी उसको, उसके बैंक को कौन सी एक सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। जानकारी गोपनीय रखे जाने का आश्वासन देना, ये तो बैंक करते हैं बेटा, ये तो होना चाहिए, ये आंसर नहीं है हमारा। लिंग के आधार के साथ भेदभाव नहीं किए जाने के बारे में सूचित करना, ये भी बात ठीक है बेटा। जारी किए गए दस्तावेजों में स्पष्टीकरण और पारदर्शिता प्राप्त करना, ये भी बात सही है बेटा। ऐसे उत्पाद बेचा जाना जो उसकी जरूरत से परे हो, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली हमारा आंसर होगा। ऐसे उत्पाद बेच दो जो उसकी जरूरत ही नहीं बेटा। अब क्या होता है, बैंक से आप लोन लेने जाते हो तो मैनेजर पता क्या कहता है, सर आप इसके साथ ये वाली पॉलिसी ले लो, आप इसके साथ ये इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लो, आप इसका एक लोन करा लो। ऐसे आपके साथ वो कभी जबरदस्ती नहीं कर रहा, जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है जबरदस्ती वो आपको नहीं दे सकता है, तो वो चीज निश्चित रूप से गलत होगी। नंबर 45, होटल में स्टे करते हैं उससे रिलेटेड एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का सवाल है। और शाम को एक मॉक टेस्ट करवा देना, अरुण सर हिंदी वाले पे करवा देंगे बेटा, अरुण सर हिंदी वाले पे करवा देंगे मॉक टेस्ट को। सीमा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने बाली गई है, बाली एक देश है इंडोनेशिया। जब वे उस स्थान को छोड़ने वाले होते हैं तो होटल के सुरक्षा कर्मी द्वारा रोक लिए जाते हैं। होटल वाले कहते हैं इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ तुम, पीछे एक हादसा हुआ था, वाकया हुआ था, आपने ध्यान दिया हो। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक कारण नहीं है जिसके लिए सिक्योरिटी ने उन्हें रोका होगा। एक तो होता है बेटा कौन सा कारण है, एक है कौन सा कारण नहीं है। कमरों से टीवी, तौलिया, फोन ले आए हैं, तो ये तो बेटा कारण है ना रोकने का, ये तो रोकने का कारण है। जरा कौन सा नहीं है, रोकने का कारण है। अगर आप वहां से टॉवल ले आते हैं, कई बार लोग जाते हैं चोरी कर लेते हैं टॉवल वावल उठा लाते। होटल के रेस्तरां से खाना नहीं खाया है, नहीं खाया तो बेटा वो क्यों रोकेंगे, यही तो हमारा आंसर है, ये कारण थोड़ी है। साबुन और शैंपू ले लिए जो होटल ने प्रदान किए हैं, हालांकि ये भी इतना रोकता नहीं है कोई, शैंपू शावल आप ले जा सकते हैं, लेकिन सबसे मुख्य काम ये है आपको खाना खाया या नहीं खाया उनको क्या फर्क पड़ता है, और होटल में रहने के दौरान बहुत शोर मचाया है, तो इन सब चीजों पर आपको रोका जा सकता है। हालांकि सी पर भी नहीं रोकते अमूमन, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया है तो खाना खाने पर कौन रोकेगा, खाया नहीं खाया, और खाना खाने पर कौन रोक रहा है, सुरक्षा कर्मचारी। अगर मैनेजर कुछ कहे, रिक्वेस्ट करे कि सर आप खाना लेके जाओ, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन सुरक्षा कर्मचारी, सर जेल वार्डन में आया था ये, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं बेटा मैं सारे करा रहा हूं आपके एग्जाम में, तो ठीक है ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे यहां पे हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं सर डी बहुत शोर मचा है, भाई साहब कौन सा कारण नहीं है, ज्यादातर सवाल नहीं वाले के कारण आते हैं जिस पर आपका सवाल जो है वो गलत हो जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है, मोहन बाबू का क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, पेंच फंसेगा इस सवाल में, अच्छे अच्छों का फंस जाता है बेटा। सर क्लेप्टोमनिया किसी ने कहा, देखो ये चीजें आपको यहां पे बताई भी गई हैं, तो किसी ने पूछा सर क्लेप्टोमनिया क्या होता है, इससे रिलेटेड एक सवाल आता है। पहली बात आपने स्पेलिंग गलत लिखी है। ये होता है बेटा जो आदमी मतलब चोरी करने लग जाता है वो अपने आप पे काबू नहीं रख पाता, वो चोरी करेगा ही करेगा, क्लेप्टोमनिया ये होता है। आपके सामने कोई कीमती वस्तु आओगी आप उठा लोगे, आप रोक ही नहीं पाओगे खुद को, आपका खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, तो ये 10 लाख में से एक आदमी में पाया जाता है, इंपल्स कंट्रोल होता है। मोहन एक अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी होता जो शांत रहता चुपचाप रहता है, कार्यस्थल पर उसके बहुत कम दोस्त है। अंतर्मुखी व्यक्ति के बहुत कम दोस्त होंगे, बाहर मुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी हिंदी में भी आ सकता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये पर्यायवाची जो उस विपरीतार्थी हिंदी में भी आ सकता है। वह काम पर और अपने घर पर दिनचर्या में किसी भी तरह के बदलाव से नफरत करता है। वह पिछले 6 सालों से उस काम को एक ही तरीके से कर रहा है, वो जो उसकी दिनचर्या है ना
वो उसको 6 साल से लगातार चला है, उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहता। वह पिछले 6 सालों से उस काम को एक ही तरीके से कर रहा है, 6 साल से। उसका नया मैनेजर पूरी टीम को पुनर्गठित करना चाहता है, इससे पहले कि मोहन अपनी नई भूमिका में आए। उसे कुछ ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं उसे पूरे करने होंगे। अगर वो नया रोल उसको कोई दिया जाता है तो उससे पहले उसको क्या करना होगा बेटा, अपने नए कोर्सेज को पूरा करना होगा। मान लो आपको कोई जिम्मेदारी दी गई और आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो आपको पहले वो कोर्स कराएंगे और कोर्स कराने के बाद आपको नई जिम्मेवारी वहां पर दी जाएगी। मोहन के व्यक्तित्व को जानने के बाद कौन सा कार्य उसके द्वारा किए जाने की संभावना है? मोहन के व्यक्तित्व को जानने के बाद कौन सा कार्य उसके द्वारा किए जाने की संभावना है? मोहन द्वारा उत्साह के साथ अपने काम में लग जाने की संभावना है। ये बात ठीक है बेटा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, वो उत्साह के साथ काम में लगेगा क्योंकि वो एक ही तरीके से चीजों को काम कर रहा है, पुनर्गठित करना चाहता, तो इसमें दिक्कत नहीं है। ये कौन सा है? मोहन आवश्यक है, मोहन आवश्यक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को स्वेच्छापूर्वक पूरा करेगा। मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह का विरोध करने की संभावना है। ये देखो बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन को शायद समझे नहीं है, मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाऊं तो कैसे समझाऊं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग गलत कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग गलत कर रहे हैं। और मोहन अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह के बदलाव में विरोध करने की संभावना है। मोहन अपने कार्यस्थल पर कम से कम कुछ दोस्तों को इकट्ठा करने का प्रयास करेगा। देखो, एक अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है उसको आदत लग जाती है कि उसी काम को उसी तरीके से करना है। अब सर ये समझ में नहीं आया, ध्यान से समझो बेटा, अब समझाता हूं। सबसे जरूरी पॉइंट ये है, वह पिछले 6 साल से उस काम को एक ही तरीके से कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आंसर देने के सफिशियंट है। वह इंसान पिछले 6 साल से उस काम को एक ही तरीके से कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को एक ही तरीके से करेगा और आप उसकी दिनचर्या में, आप उसकी चीजों में बदलाव करेंगे तो वो विरोध करेगा या नहीं करेगा? ये बात ठीक है, उत्साह द्वारा काम पे लग जाएगा, वो ठीक है, वो हो सकता है। मोहन आवश्यक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को स्वेच्छा से पूरा कर लेगा, वो उसे करना ही है, वो करेगा। लेकिन मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी तरह का बदलाव करने की संभावना है? बिल्कुल संभावना है बेटा, संभावना ही पूछा था, बिल्कुल संभावना है कि भाई जिस काम को वो एक ही तरीके से 6 साल से कर रहा है, अगर उसे हम कुछ नई ट्रेनिंग देते हैं, नए कोर्सेज भी देते हैं, तो ये संभावना रहेगी कि वो अपने जो मेथड में, वो अपनी भूमिका में किसी भी तरह के बदलाव। ये देखो ना बेटा, घर में अपनी, वह काम पर और घर में अपनी दिनचर्या में बदलाव करने से नफरत करता है। 6 साल से एक ही तरीके से काम कर रहा है, ये लाइन सफिशियंट थी इसके सपोर्ट में। तो जैसे हिंदी में बेटा अपठित गद्यांश होते हैं, अपठित गद्यांश, ऐसी ही चीजें हैं बेटा यहां पे। अब कुछ समझ में आया आपको? तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं ना बेटा, उनको आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। और यही फायदा भी है बेटा, मान लो एक ऑनलाइन सेशन आपने लगा लिया और उसमें आपने एक सवाल भी सही कर लिया तो मेरे पैसे बेटा वसूल हो गए, मतलब मेरा लाइव आना वसूल हो गया 1.5 घंटा की, कम से कम चलो एग्जाम में वो सवाल आया था, बच्चा अच्छे से अटेंड करके आ गया, मुझे उन बात से बड़ी तसल्ली मिलती है। 47 नंबर, 50 अभी कराऊंगा, 50 शाम को या कल कराऊंगा बेटा, फिर देखते हैं कि कितने जने उसको अच्छे से करेंगे। हो गया बेटा। सिटी एक्स में हाल में चुनी गई सरकार ने जनता के हित में कुछ नीतिगत फैसले लिए, यानी नीतियां बनाई हैं। इस स्थानीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति की जनता द्वारा आलोचना किए जाने की संभावना नहीं है? कौन सी पॉलिसी की जनता आलोचना नहीं करेगी? कौन सी पॉलिसी की? प्रतिवर्ष परिवहन के स्थानीय साधनों पर टिकट का किराया बढ़ाना, बेटा इस पर तो आलोचना करेगी, तो ये हमारा आंसर कैसे हो सकता है? आपने पूछा संभावना है, कह रहा जनता किस बात पे नहीं भड़केगी, पहली बात पे तो जनता भड़केगी। दूसरा,
तभी हाई स्कूल और कॉलेजों के स्थानीय शहर बाहर बाहरी इलाके में करना, शहर के बाहर भेज रहे हैं, जनता भड़केगी। कह रहा स्कूल कॉलेज बच्चों के शहर के बाहर कर दिए, बच्चा रोज कैसे जाएगा, तो जनता भड़केगी। आपको पूछा किस पे नहीं भड़केगी, किस पे वो खुश होगी, आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। सभी नागरिकों को मुफ्त उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्रदान करना, तो बेटा इस पे जनता नहीं भड़केगी, यही हमारा आंसर है, इस पे जनता खुश होगी। महिलाओं की भागीदारी को केवल शिक्षण तक सीमित रखना, इस पे भी जनता भड़केगी कि महिलाओं को केवल टीचर की नौकरी क्यों, सभी पर दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट नंबर 48। अगला बेटा आ रहा, बेटा मजा मजा आ रहा है बेटा, कोई बात नहीं, अगर गलत हो रहा है तो मैं कम से कम समझ जाओ, देखो गलती कर दो अभी कोई दिक्कत नहीं, पेपर में गलत नहीं होगा, अभी कम से कम आप सीखने का तरीका सीख रहे हैं कि कैसे आप उत्तर देंगे, उत्तर उसका कैसे होगा। शैली एक सफल शिक्षिका थी, दुर्भाग्य से उसने एक भयंकर दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो दिए। प्रबंधन द्वारा किया गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंगित करता है कि उसमें वंचिता के प्रति संवेदनशीलता की कमी है। भाई शैली के दोनों पैर कट गए हैं, तो प्रबंधन द्वारा कौन सा कार्य करेगा कि वो संवेदनशील शैली के खिलाफ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके पैर कटने पे, कौन सा कार्य प्रदर्शित करेगा। उसकी दुर्घटना के बाद डेस्क जॉब की पेशकश करना, ये तो एक अच्छा काम है बेटा, ये तो संवेदनशील प्रकट करेगा, ये तो संवेदनशीलता से भरपूर है, कमी कौन से में है। प्रबंधन शैली को छुट्टी के बाद भी पैसे देने को तैयार था, तो ये तो अच्छा स्टेप है बेटा, खराब स्टेप कौन सा है, खराब स्टेप ये देखिए ना, उसमें वंचिता के प्रति, वंचिता मतलब जो उसके पैर कट गए हैं, जो शैली का शारीरिक नुकसान हुआ है, उसके प्रति वो संवेदनशीलता की कमी है, मतलब वो संवेदनशील नहीं है, ध्यान नहीं रख रहे वो। शैली को अपने आप इस्तीफा देने और 2 महीने का नोटिस अवधि पूरी करने के लिए कहा गया, ये है ना बेटा सी, इसमें कमी हो रही है। और शैली को एक ऐसी नौकरी की पेशकश की गई जहां वो ऑनलाइन शिक्षण दे सकती थी, तो ये तो सारी संवेदनशीलता को दर्शाते हैं और वे संवेदनहीनता को दर्शाते हैं। एक होता संवेदनशील, एक होता है संवेदनहीन। वंचिता किसे कहते हैं, किसी चीज से वंचित कर देना, रोक देना, जैसे वो पैर से वंचित हो गई है, पैर नहीं है उसके, तो शारीरिक वंचिता हो गई है उसे। इन बातों के मतलब आप समझिए तभी आपको पता चलेगा बेटा, डिप्राइव्ड होता है। नंबर 49, बहुत बढ़िया, 50 सवाल कराऊंगा, 50 के बाद ईमानदारी से स्कोर बताना क्या आया, ठीक है बेटा। अभय ठाकुर थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सर सबसे यूनिक ऑप्शन से हो जाएगा, वो बिल्कुल ऐसे ही होता है बेटा। विशाल जनसंख्या वाले किसी भी देश में लगभग सभी निजी होता है, प्राइवेट और सार्वजनिक सरकारी मुद्दों में कानून की व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने की संभावना होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कानून और व्यवस्था की नीति स्थिति में बदल नहीं सकती। इन एनी कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ऑल प्राइवेट और पब्लिक इश्यूज हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट ए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। एक बड़े देश के अंदर बहुत सारे प्राइवेट और पब्लिक इश्यूज हैं, उसमें पोटेंशियल होता है लॉ और ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन नॉट रिजल्ट इन अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कह रहा किस कौन सी लॉ और ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है वो आपको बताना है। सरकार द्वारा कृषि उत्पादों पर सब्सिडी निरस्त किए जाने से किसानों का विरोध प्रदर्शन करना। महिलाओं के बढ़ते अत्याचार के विरोध में महिलाओं का जुलूस निकालना। धार्मिक प्रदर्शन में भाग लेने के लोगों का सड़क के दोनों ओर एकत्रित होना। अब ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं बेटा। बाल दिवस समारोह में भाग लेने वाले विभिन्न सर्कुलों में बच्चों का एकत्रित होना। ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, इससे क्या होगा बेटा, ये सही है। कौन सी स्थिति कानून और व्यवस्था की स्थिति में बदल नहीं सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन नॉट रिजल्ट इन अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये कह रहा है कि किससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर किससे बना रहेगा। अब यह भी इसका एक तरीका हो सकता है कि चार में से, इसलिए मैं कहता हूं चारों ऑप्शन को पढ़ना,
चार में से तीन लगभग एक जैसे लगेंगे, एक अलग लगेगा। चार में से तीन लगभग एक जैसे लगेंगे और एक हमें अलग लगेगा, और उस अलग ऑप्शन पर हमें ध्यान देना है कि वो अलग ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा। नंबर 50, स्मगलिंग इज एन इकोनॉमिक क्राइम, द कमोडिटीज विच आर ट्रैफिक्ड द मोस्ट इंक्लूड हीरोइंस ड्रग एटसेट्रा, गोल्ड सिल्वर डायमंड आर्म्स एक्सप्लोजिव रिस्ट वॉचेस इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चैलेंज इन एक्सपोर्टिंग स्मगलिंग। कह रहा है स्मगलिंग करने में कौन सी चीज चैलेंजिंग नहीं है, कौन सी चीज चैलेंजिंग नहीं है, मतलब स्मगलिंग अगर करना है तो स्मगलिंग को बढ़ावा देने वाली चीज कौन सी है, मतलब कौन सा उसके लिए मतलब ये कह सकते हैं कि स्मगलिंग को ये कह सकते हैं जो हमारे यहाँ स्मगलिंग हो रही है तो वो एक बड़ा चैलेंज नहीं है, इसमें कौन सा एक बड़ा चैलेंज नहीं है। वाइड एंड इंटरप्टिव रेंज, ये एक चैलेंज है, चुनौती है बेटा, बहुत बड़ी है। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी ठीक है। इंस्टीट्यूशनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन और एमरजेंसी, ये होगा ना बेटा सी, एक जैसा है। अगर इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, संस्थागत और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, तो ये चीज इससे अलग है। ई कॉमर्स हो गया, मानव संसाधन बाध्यताएं होगी, व्रत और निर्बाध सीमा हो गई, ये सारी की सारे वहां पे एक चुनौती के रूप में उसके सामने होता है। कमाल है बेटा, मैं सोच रहा था इसको सबसे ज्यादा गलत करेंगे, सबसे ज्यादा लोगों ने सही किया। अब मुझे ईमानदारी से बता दो कि 50 सवालों में से आज आपका स्कोर क्या रहा और कल मेरठ कौन कौन आ रहा है। कल मुलाकात होगी मेरठ में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, कल मुलाकात रहेगी मेरठ, और हम आपको एक क्वेश्चन पेपर भी देंगे, आपसे डिस्कशन भी देंगे, ठीक है, फेस टू फेस मुलाकात करेंगे। 1 बजे का टाइम हम मान के चल रहे हैं, 12:30 से 1 के बीच हम पहुंच जाएंगे, 1 PM, या हम मान लीजिए 12:30 का टाइम रख देते हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। के ग्राउंड में हम मिलेंगे, आप वहां सभी जाएंगे, वहां हमारी, फिर उसके बाद हम लाइब्रेरीज विजिट करेंगे। 40 नंबर, 44 नंबर, 45 नंबर, 43 नंबर, 46 नंबर। अब ये टॉपिक वाइज कराऊं या मिक्स कराऊं? मिक्स अरुण सर हिंदी वाले पे करा देता हूं, अभी टॉपिक वाइज है, ठीक है बेटा। और उसके बाद बेटा हमारा जो PDF है वो सारे के सारे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं ना बेटा, अभी PDF वहां पहुंच जाएगा, PDF पहुंच जाएगा टेलीग्राम पर, वो है अरुण सर रीजनिंग पर आपको प्राप्त होने जा रहा है। तो ये PDF आपको अरुण सर रीजनिंग में अभी एक्सक्लूसिवली यहाँ पे प्राप्त होगा, आप इसको यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।